दिल्ली के बाद अब पुणे किससे एक एटीएम में करंट लगने का मामला सामने आया, जहां पैसे निकालने आए कई लोगों को बिजली का झटका लगा। घटना के बाद बिजली विभाग ने एटीएम की बिजली काट दी और दरवाजे पर नोटिस लगा दिया। अगर आप एटीएम से पैसे निकाल रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि पैसे देने वाली एटीएम मशीन अब बिजली का झटका भी देने लगी है। ताजा मामला पुणे के नारायणपेट इलाके में बने एक एटीएम का है, जहां पैसे निकालने आए लोगों को मशीन से करंट लगा। पहले तो पैसे निकालने आए लोगों को लगा कि बारिश में भीगने की और गीले हाथ से मशीन छूने की वजह से झटका लगा है, लेकिन हकीकत में वजह कुछ और है। अंदर जा रहा था तो मैंने यही सोचा कि शायद से मेरे को भी लगेगा, इसीलिए मैंने मेरा हाथ पोंछा, बट उसके बावजूद मेरे को करंट लगा। कार्ड स्वैप किया तो वहाँ पे शॉक लग रहा था मशीन में, जब पर लगाए थे? जब जहाँ पे मैं एंटर कर रहा था, जो पिन एंटर करने के टाइम पे जो स्टील प्लेटिंग का बॉडी है वहाँ पे शॉक लगा। हैरानी की बात यह है कि एटीएम मशीन के तार कई जगह से निकले हुए थे, कांच टूटा हुआ था। एटीएम मशीन में निगरानी के लिए कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था, न ही कोई गार्ड एटीएम और लोगों की सुरक्षा के लिए तैनात था। यहां तक कि एटीएम की दीवार पर बैंक से संपर्क करने के लिए कोई भी नंबर नहीं था। इस एटीएम के झटके को झेल चुके एक शख्स ने इंडिया टीवी की टीम से संपर्क किया और इंडिया टीवी की टीम की पहल पर एटीएम की पावर सप्लाई काटी गई और इलेक्ट्रीशियन को बुलाया गया। इलेक्ट्रीशियन ने जब एटीएम मशीन की जाँच की तो पता चला कि पूरी मशीन में करंट दौड़ रहा था। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अधिकारियों को हमने संपर्क करने के बाद यहाँ पर उन्होंने एटीएम में उनके कर्मचारियों को भेजा है और ये जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर सचमुच यहाँ पर इस एटीएम मशीन में करंट है या नहीं। कई लोगों को यहाँ पर करंट लगा है, बिल्कुल आपको दिखाना चाहते हैं, यहाँ पर ये करंट लगा हुआ है। हमारे साथ इस वक्त इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के कर्मचारी है ललित कुमार जी, इनसे जानेंगे और यहाँ पर हम टेस्टिंग करेंगे कि क्या सचमुच यहाँ पर इस जो बोर्ड है यहाँ पर करंट है क्या। उनके हाथ में ये टेस्टर है, टेस्टर आमतौर पर करंट चेक करने के लिए किया इस्तेमाल किया। देखिए क्लियर साफ तौर पर यहाँ पर दिख रहा है कि इसमें जो कि बोर्ड है यहाँ पर करंट है, यहाँ पर जो टेस्टर का लाइट है वो यहाँ पर जला हुआ है, लाल लाइट है। इससे ये है कि लोग जो बोल रहे थे उसमें सच्चाई है, काफी सच्चाई है, क्योंकि यहाँ पर जब लोग पैसे निकालने आ रहे तो उनको यहाँ पर करंट लग रहा है। लोगों ने जब बैंक के स्थानीय अधिकारी को फोन किया तो उन्होंने इस मुद्दे पर कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। आखिरकार आसपास के लोगों ने ही एटीएम मशीन के गेट पर नोटिस लगाया। हाल ही में दिल्ली में एटीएम में करंट लगने से एक शख्स की मौत हो गई थी, लेकिन इतनी बड़ी घटना से भी बैंक वालों ने कोई सबक नहीं लिया है। अब जरूरी है कि सारे बैंक अपने एटीएम मशीन की जांच करवाए ताकि दिल्ली जैसे हादसे फिर न हो। अजय कांबले, इंडिया टीवी, पुणे।